सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कटहल को अच्छे से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद पानी में भिगो के इसे 1 घंटे के लिए लगभग रख देना है, क्योंकि इसमें दूध वगैरह होता है, कचरा वगैरह होता है, जो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद इसको बॉयल करना है हमें। एक कुकर लीजिए, उसके बाद इसको इसमें डाल के थोड़ा सा पानी डालिए, मतलब जितना कटहल है उसका 2 गुना पानी रहना चाहिए। और 1 चम्मच के हिसाब से नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देना चाहिए। नमक डालने से कटहल आपका जल्दी से पक जाएगा और हल्दी डालने से इसका कलर अच्छा आएगा, इसलिए इन दोनों को इसमें ऐड करना है। इस तरीके से इसमें डाल के और उसके बाद आप गैस पर चढ़ा दीजिए। देखिए 2 सीटी आ चुकी है, तब इसको एक तरफ रख देते हैं। और कटहल की सब्जी के लिए मसाला हमें क्या क्या चाहिए ये भी देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए सबसे पहले तेज पत्ता चाहिए 2, और उसके बाद जीरा, और यहाँ पे है हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, ये है सूखे मसाले। और फिर इधर आ जाइए, यहाँ पे 2 ऑनियन है, गार्लिक है और ग्रीन चिली है और जिंजर है और टमाटो है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एक में ही पीस लेना है अच्छे से। चाहे तो आप अलग अलग भी इसको पीस सकते हैं, बट एक में पीस लेंगे तो आपका टाइम बचत हो जाएगा। और उसके बाद पीसने के बाद ये कुछ इस तरीके से पेस्ट नुमा हो जाएगा। इसको एक तरफ कर लें और अब हम चलते हैं, चेक करते हैं कि हमारा कटहल हो गया है कि नहीं, अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा कटहल अच्छे से पक गया है। और इसका जो भी पानी हमें फेंक देना है, पानी को यूज में नहीं लाना है। दूसरी सब्जी रहती, लौकी वगैरह या कोई और सब्जी रहती, उसका पानी हम यूज कर लेते हैं सब्जी में, क्योंकि वो हेल्दी होता है। बट इसका पानी इसलिए हम फेंक दे रहे हैं क्योंकि इसके पानी में कचरा और दूध वगैरह रहता है, तो इसको हमें बिल्कुल भी यूज में नहीं लाना है। और ये देखिए कटहल हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर आपको लगे कि हमारा कटहल फिर भी नहीं पका है, तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करके भी इसकी सब्जी बनती है, बट यहाँ पे मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, दूसरी तरीके से मैं आपको सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। तो हमारा कटहल अच्छे से पक गया है, फ्राई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कढ़ाई में आप तेल अच्छे से गर्म कर लीजिए, राई का तेल है, मतलब सरसों का तेल। और उसके बाद जब हमारा तेल गर्म हो जाए, उसके बाद जीरा और तेज़पत्ता डाल देना है। यहाँ पे देखिए जीरा और तेज़पत्ता अच्छे से कलर छोड़ दिया है हमारा और पक गया है। तेल में इसकी भीनी भीनी खुशबू जब आने लगे, तो उसके बाद हमें जो प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटो और ऑनियन का, वो सब इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। और इन मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से अपना कलर ना छोड़ दें और अच्छे से पक ना जाए। जो प्याज का पेस्ट होता है वो पकने में थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको अच्छे से आपको टाइम देके भूनना है। और यहाँ पे हमारी देखिए कटहल को मैंने छान के अलग कर लिया है, ये अच्छे से पक गया है। और सॉरी ये थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे मिस हो गया था, तो जो मैंने सूखा मसाला आपको दिखाया था वीडियो के शुरुआत में, वो सूखा मसाला सब ऐड कर दिया गया है इसमें और अच्छे से भूनना है। मतलब इसको इतना अच्छे से भून देना है कि इसमें जो है तेल छोड़ने लगे। और यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, ये तेल भी छोड़ रहा है और जो है कढ़ाई की जो तली होती है उसमें लग भी रहा है। तो ये हमारा देखने में ही आपको लग रहा होगा कि मसाला हमारा अच्छे से हो गया है। और उसके बाद जो कटहल हमने रखा है उसे इसमें ऐड कर देना है इस तरीके से, और अच्छे से सॉटे करना मसाले में, ऊपर नीचे करके आपको मिला देना है ताकि मसाला में जो ये कटहल है ये अच्छे से लिपट जाए। इस तरीके से कुछ आप लोग देख ही सकते हैं। पानी आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। अगर आपको बहुत जूसी सब्जी चाहिए तो आप यहाँ पे पानी अधिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूसी मुझे नहीं चाहिए था, तो बड़े कप से 1.5 कप मैंने पानी यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये देखिए इतना पानी ये हो गया, इसे पकने में ये पानी और सूख जाएगा, थोड़ा थिक ही हो जाएगा। यहाँ थिक सब्जी ही बन रही है, आप चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं और भी, वो आपकी पसंद है अपनी। तो इस तरीके से हमें अब इसको ढक के पकाना है। इसमें नमक मैं यूज नहीं कर रही हूँ कि नमक मैं उबालते टाइम ही डाल दी थी, आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाते हो तो। तो ये देखिए कुछ हद तक मेरी सब्ज़ी सूख गई है, बस 2 मिनट में ये सब्ज़ी और मतलब लगेगा पकने में, उसके बाद ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो, और आप पक्का कहेंगे कि हाँ आप बहुत ही अच्छा ये डिश बताई हैं। इस तरीके से बनाइए और फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए कि कैसा लगा आपको। तो ये सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया जो मैंने कट करके पहले से ही रख लिया है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर है और फ्लेवर तो क्या कहने। तो अब यहाँ धनिया ऐड कर रहे हैं हम। धनिया डालने के बाद इसको ऊपर नीचे अच्छे से चला देना ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो अच्छे सब्जी में आ जाए। इस तरीके से आप चला दीजिए और आपकी सब्जी बन के रेडी हो गई। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है फ्रेंड कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप नॉनवेज खाते होंगे तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे, नॉनवेज से भी टेस्टी ये लगता है। तो अगर आपको ये डिश थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब अंजलि सिंह को दीजिए विदा, मैं फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।